अभी जो कर रहे थे वो ग्रेविटेशन का चैप्टर था और सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन चैप्टर का नाम है। प्लीज साइलेंस, आज मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, साइलेंस प्लीज। मैं अपनी एनर्जी और गला खराब नहीं करना चाहता, ये आपको चुप करवाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीचिंग में यही है, जब गला खराब हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल बंदे का भी जब गला खराब हो तो प्रॉब्लम होती है, पर हमारे साथ कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि मेरे को 9 बजे तक बोलना है और मुझे कल भी बोलना है, तो जाके मेरे को एक ब्रेक मिलेगी। ठीक, तो प्लीज मेंटेन साइलेंस। अभी सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन के अंदर बेसिकली क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट है, और हमने शायद एस्केप वेलोसिटी के बारे में भी स्टडी किया था। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे कि हम एक ऑब्जेक्ट को फेंक दें और वो वापस ना आए, यानी कि वो ग्रेविटेशनल पुल को क्या कर जाए, ओवरकम कर जाए। तो हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठा के फेंक दें तो क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर, वर्क डन। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें आता है। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की थी, हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो उसके ऊपर वर्क डन करते हैं और वही हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब उल्टा है, अब सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के ऑब्जेक्ट को फेंकने तो अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी एग्जैक्टली सेम, और कहां फेंकने, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फेंकने। तो मैंने आपको ये हिंट दिया था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक था उसके अंदर ये डायग्राम था एग्जैक्टली सेम, कुछ नहीं किया मैंने, ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ, दो स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट जो दूसरे बैच से आए हैं, देख लो आप लोग उन्होंने किया हुआ है। तो बेसिकली ये सेम डायग्राम है, बस याद रखना कि वर्क डन की वैल्यू जो आपने निकालनी है वो उसमें इन्फिनिटी से आर तक थी, इसमें आर से लेके इन्फिनिटी, लिमिट्स उल्टी कर देनी है। तो जब मैथ्स में लिमिट्स उल्टी होती है तो आंसर भी माइनस की जगह प्लस हो जाता है, प्लस की जगह माइनस, इसीलिए आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा वो जीएमएम बाय आर आएगा इंस्टेड ऑफ माइनस जीएमएम बाय आर। यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक। और ये वर्क डन आप जो कर रहे हो वो किस फॉर्म में कर रहे हो, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इक्वेट कर दिया, एम से एम कैंसिल हो गया, एस्केप वेलोसिटी का आंसर आ गया। एस्केप वेलोसिटी क्लियर है? और एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2 जीएम बाय आर, आप जीएम की जगह लिख सकते हो कितना, स्मॉल जी, आर स्क्वायर बाय आर, आर सी आर कैंसिल, तो क्या आ गया 2 टाइम्स। यहां तक क्लियर है? तो ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है, और इसमें अगर आप जी पुट करो, अगर आप आर पुट करो, एस्केप वेलोसिटी की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितनी आएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है स्पेशल केस, हमने किया था, करने की जरूरत नहीं है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में बता देता हूँ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो कैसे घूमती हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट घूमती हैं, और हमारी अर्थ की रोटेशन भी कैसे है, वेस्ट से ईस्ट है। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर? तो वेस्ट ईस्ट है हमारी इस अर्थ की डायरेक्शन। अब इमेजिन करो कि अगर अर्थ सपोज वेस्ट से ईस्ट घूम रही है और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, मैं यहाँ इंडिया में खड़ा हूँ, यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ, और सैटेलाइट भी सब जो सोचो मेरे सर के ऊपर ही है, अगर मैं वेस्ट से ईस्ट घूम रहा हूँ, सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, अप्रोक्सीमेटली ये सैटेलाइट सरफेस के काफी क्लोज है, तो मेरे हिसाब से ये कैसे रहेगी, रेस्ट पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किस पे, रेस्ट पे, लेकिन रेस्ट पे इसलिए है क्योंकि रिलेटिव मोशन इनमें जीरो है, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि ये रेस्ट पे है। जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी इसलिए क्योंकि मुझे अपीयर होता है कि ये सैटेलाइट किस पे है, रेस्ट पे है। और ऐसा तब होगा जब सैटेलाइट मेरे साथ साथ घूमेगी, और मेरे साथ साथ घूमने का मतलब अर्थ के साथ घूमेगी, अर्थ घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सैटेलाइट भी घूमेगी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है कि दिस इज क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मैंने बताया, देन दिस विल अपीयर स्टेशनरी, द ऑर्बिट इन विच अ सैटेलाइट विल रिवॉल्व इज कॉल्ड अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एंड सैटेलाइट इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 24 आवर्स, क्योंकि अर्थ का घूमने का टाइम पीरियड भी क्या होता है, 24 आवर्स। ठीक, थ्योरी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट कैसे घूमेगी, ये इक्वेटर के अलोंग घूमती है और पोलर सैटेलाइट पोल्स के अक्रॉस घूमेगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर के आसपास ऐसे घूमती है,
हॉरिजॉन्टल घूमती है, ऐसे बोल सकते हो, और पोलर सेटेलाइट वर्टिकल घूमती है. सो सेटेलाइट दैट रिवॉल्व इन अ पोलर ऑर्बिट इज कॉल्ड अ पोलर सेटेलाइट. सो दिस सेटेलाइट पासिस ओवर नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ. दीज सेटेलाइट्स आर इक्विप्ड विद These satellites are equipped with sensors and cameras and can scan the surface of Earth. वैसे इस स्टेटमेंट को आप कॉपी पेस्ट करके जियो स्टेशनरी के लिए भी आप लगा दो. फालतू में सेटेलाइट क्यों भेजेगा कोई, किसी पर्पज से ही भेजेगा. कैमरे सब में लगे होते हैं, सेंसर सब में लगे होते हैं, ताकि वो अर्थ की फोटोग्राफ आपको कॉन्टिन्यूसली भेज दी जाए. दूसरी चीज इसमें याद रखना, अगर आप पूरी अर्थ को, पूरी अर्थ की पिक्चर तो ली नहीं जा सकती, एक सेटेलाइट तो सफिशियंट है ही नहीं. क्योंकि एक अगर अर्थ का एटमोस्फेयर यहाँ पर है तो सेटेलाइट यहाँ तो जा नहीं सकती, सेटेलाइट को अर्थ के एटमोस्फेयर के पास रखना पड़ेगा. तो अगर एक सेटेलाइट का जो व्यू होगा वो इतना ही होगा बस, इस हिस्से को तो ये सेटेलाइट देख ही नहीं पाएगी. ठीक ऐसे ही एक सेटेलाइट और, ये रहा इसका व्यू है, एक सेटेलाइट और इसका व्यू है. तो ये देखा जाता है, कम से कम अगर पूरी अर्थ को देखना चाहते हो हर एंगल से, मिनिमम सेटेलाइट रिक्वायर्ड इज 3, 3 सेटेलाइट्स एंड सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 120. हर का एंगल 120 डिग्री पे अगर आप सेटेलाइट को लगाओगे तो पूरी अर्थ को कवर कर पाओगे. ये नॉर्मली ये ऐसा है, मतलब ऐसा है, ये नहीं है कि हो सकता है, क्योंकि सेटेलाइट एक्चुअल में हमने लॉन्च की हुई है और हमें रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, तो हमें मालूम है कि कितने सेटेलाइट रिक्वायर्ड है अर्थ को कवर करने के लिए. फिर से कौन सा लॉ आ गया, कैपिटल लॉ तो किया हुआ है. किसमें, रोटेशनल मोशन में कैपिटल के कितने लॉज थे, 3 लॉज थे. फर्स्ट लॉ का प्रूफ तो हम करते ही नहीं है, वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा, वो तो एलिप्स एलिप्स को लेके चलता है ना, एलिप्स है और एलिप्स आपको मैथ्स के टीचर करवाते हैं, सेंट्रिसिटी और पता नहीं क्या कुछ, वो नहीं हम करेंगे. सेकेंड लॉ का प्रूफ, सेकेंड लॉ क्या था, एरियल वेलोसिटी इज, किया हुआ है हमने प्रूफ, किया हुआ रोटेशनल मोशन में. थर्ड लॉ क्या था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. और मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल मोशन में हम सेकेंड और थर्ड लॉ में से सेकेंड लॉ का प्रूफ तो रोटेशनल में करेंगे और थर्ड लॉ का प्रूफ याद है मैंने बताया था इसके बाद खत्म हो जाएगा. ठीक, तो ये प्रूफ ऑफ कैपलस थर्ड लॉ, जो कि क्या बोलता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. 2 मिनट का काम है. अगर एक सेटेलाइट, मान लो ये अर्थ है और कोई सेटेलाइट लेट से आर डिस्टेंस दूर घूम रही है, स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर तो रेडियस होता है, मतलब इंस्टेड ऑफ आर प्लस एक्स मैंने स्मॉल आर ले लिया. सेंटर से सेटेलाइट का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर. क्यों सेटेलाइट घूमती है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्योंकि इसको कौन सी फोर्स खींचती है, ग्रेविटेशनल, जो सर्कल की है ग्रेविटेशनल फोर्स खींचती है, सेंट्रीपिटल तो चाहिए होती है, खींचती तो अर्थ है ना. अर्थ कौन सी फोर्स लगा रही है, जी बड़ा एम मास ऑफ अर्थ छोटा एम मास ऑफ सेटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर. और ये फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है उस सेटेलाइट को, सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कर रही है, सेटेलाइट को. तो मास भी किसका, सेटेलाइट पे, वेलोसिटी भी किसकी और डिस्टेंस भी किसका, सेटेलाइट. एम वी स्क्वायर पे आप इक्वेट कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स. यहां से एम और एम तो ऑब्वियसली कैंसिल हो ही जाएगा, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई. इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी. लास्ट टाइम यही तो किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स या ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जो वेलोसिटी आएगी उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं. ऑर्बिटल वेलोसिटी में डिनोमिनेटर में स्मॉल आर की जगह आर प्लस एक्स और तो कुछ भी नहीं था. तो यहां अगर मैं चाहता तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी लिख के दे सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पता है. लेकिन मेरे को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम पीरियड. तो ये लो, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि सर्कमफ्रेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी. हमें याद है टाइम पीरियड लास्ट टाइम निकाला था और हमने कहा था कि टाइम पीरियड इज सर्कमफ्रेंस, और कितने सर्कमफ्रेंस में सेटेलाइट घूम रही है, 2π स्मॉल r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल अंडर रूट ऑफ gn बाय स्मॉल r. यहां तक क्लियर है? तो यहां से थोड़ा ये स्क्वायरिंग वगैरह करो, इस r को पहले तो इसके अंदर लेके आओ, r क्यूब बन जाएगा ये कुछ ऐसे. तो स्क्वायरिंग करोगे, सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आ गई, मैथ्स है, हो जाएगा ये r को अंदर लेके r स्क्वायर इंटू r क्यूब रेसिप्रोकल हो जाएगा. स्क्वायरिंग करोगे ये वैल्यू आएगी, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटा दो तो इक्वल टू
लीजिएगा प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यहाँ तक क्लियर है, हो गया कैपिटल लॉ प्रूफ। आपका जो सेटेलाइट है वो स्मॉलर डिस्टेंस में घूम रहा है, टाइम पीरियड कैपिटल टी है, और प्रूव कर दिया सेटेलाइट कितने रेडियस में घूम रहा है उसका जो टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी, कैपिटल टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। एनी डाउट? नेक्स्ट है, नेक्स्ट में डेरिवेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या फॉर्मूला है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का? एफ इज जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। ध्यान नहीं है आज, गड़बड़ है, तीन तीसरी बार बोल रहा हूं, ध्यान से। तो देखो इसमें क्या है, डेरिवेशन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम कैपलर्स लॉ। तो हम क्या करना चाहते हैं, न्यूटन का लॉ डराइव करना चाहते हैं, कहां से? फ्रॉम कैपलर लॉ। और इससे पहले हमने जो काम किया समझ आया, कैपलर लॉ हमने, थर्ड लॉ हमने देखा कैपलर का, हमने प्रूव किया किसकी हेल्प से, न्यूटन के, न्यूटन का थर्ड लॉ था एक्शन रिएक्शन, ऑपोजिट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। यहाँ पर वन टू थ्री लॉ कहां से आ गए, या तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही पड़ा, जीएमएम बाय आर स्क्वायर। यहां से अपने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली, टाइम पीरियड निकाला, कैपलर का थर्ड लॉ आया, ठीक है ना? यहां तक तो न्यूटन के लॉ से कैपलर लॉ आया। अब वो कहता है उल्टा करके दिखाओ, कैपलर के लॉ से न्यूटन का लॉ निकाल के दिखाओ। और कौन सा लॉ न्यूटन का? ग्रेविटेशन का, ठीक। तो इसमें डेरिवेशन है, और क्या मुझे करना है इसमें कि सपोज, क्योंकि कैपलर लॉ है ना, और कैपलर का कौन सा लॉ? थर्ड। कैपलर का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड ने तो अपना रोल प्ले करना ही करना है। दूसरी चीज, कैपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली कोई प्लैनेट अगर घूम रहा है किसके आसपास, सन के आसपास, तो उस केस में उसको फोर्स रिक्वायर्ड कितनी है, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर, मान लो आर रेडियस में घूम रहे हैं। ज्यादा क्लियर है? ऑब्वियसली मैं जीएम एम आर स्क्वायर यूज नहीं कर सकता क्योंकि वही तो मेरे को ड्राइव करना है, पर मेरे को इतना मालूम है कि अगर एक प्लैनेट को, ये देखो, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम रिवॉल्विंग अराउंड अ सन, कोई भी प्लैनेट है आर रेडियस में घूम रहा है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर है। नेक्स्ट है, मान लो ये प्लैनेट आर रेडियस में घूम रहा है सन के आसपास, जो कि मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट क्या है, अपना सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और उस प्लैनेट का टाइम पीरियड मान लो कितना है, कैपिटल टी, 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी। एक काम करो, एफ की वैल्यू अभी हमने देखी थी एम वी स्क्वायर बाय आर, इस वेलोसिटी को उठा के यहां से कहां पुट कर देना है, यहां पुट कर देना है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इस वेलोसिटी को उठा के ऊपर से नीचे पुट कर देना है, तो मेरे पास क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। एनी डाउट? ठीक है, यहां तक स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करके ये वैल्यू आ गई, ये भी पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना? यहां तक कौन किसके आसपास घूम रहे, प्लैनेट एम किसके आसपास घूम रहे, सन, और लेट से सन का मास कितने है, कैपिटल एम। हालांकि कैपिटल एम का कोई रोल नहीं है यहां पर अभी तक, क्योंकि हम सारी फोर्सेस किसके ऊपर निकालने हैं, प्लैनेट के ऊपर, तो प्लैनेट का मास, ऑब्वियसली मैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही निकाल रहा हूं, और तो मैं कुछ भी निकाल रहा हूं। यहां तक क्लियर है? तो मैंने किस कौन सी फोर्स निकाल दी, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल दी। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर वन। अब क्योंकि न्यूटन का लॉ प्रूव करना है कैपलर के लॉ से, तो कैपलर का लॉ तो बीच में आना ही चाहिए। कैपलर लॉ के अकॉर्डिंगली टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहां तक क्लियर है? तो मैंने टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लिखा, कॉन्स्टेंट के आ गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब। और एक काम करो, इस टी स्क्वायर को, इस टी स्क्वायर को फोर्स के अंदर पुट कर दे, फोर्स के अंदर टी स्क्वायर आ रहा है, तो फोर्स के अंदर टी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, के टाइम्स आर क्यूब, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास ये वैल्यू बच गई, एफ इज इक्वल टू एक आर से एक आर कैंसिल कर लेना, ये टू हो जाएगा, ये आ गया। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक बोल रहा हूं ना? तो यहां पर ये फोर्स की वैल्यू आ गई, फोर पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अब एक चीज मुझे बताओ, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू राइट साइड पे हमने निकाल ली, जो भी आई, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोवाइडेड बाय दी सन, वही कर रहा है ना? तो एक चीज मुझे बताओ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है
क्या वो मास ऑफ सन पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? कहीं ना कहीं जो मेरी सेंट्रीपेटल फोर्स है वो मास ऑफ सन पे डिपेंड करेगी, करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा मास ऑफ सन होगा मुझे मालूम है उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल एक्ट लाइक सेंट्रीपेटल, इसका मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? अब मुझे एक चीज और मालूम है इस एक्सप्रेशन को देखते हुए, स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ क्या है? प्लेनेट है। तो मैं क्या बोलूं, मास ऑफ प्लेनेट कैन डिपेंड अपॉन मास ऑफ सन? यार मेरा मास अगर मान लो जितने केजी है उसका सन से क्या लेना? अगर मैं सपोज 80 केजी का ना होते हुए 180 केजी का होता तो सन का मास बड़ा हो जाता? कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं कह सकता। तो प्लेनेट का मास इंडिपेंडेंट है मास ऑफ सन से? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फोर्स के अंदर मास ऑफ सन का आना जरूरी है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेंट्रीपेटल फोर्स है जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन। तो सन के मास को तो बीच में आना ही आना है। अब आर स्क्वायर, अब प्लेनेट का और सन का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स्ड है, उसका मास ऑफ सन से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। अगर प्लेनेट आर डिस्टेंस पे है सन से तो आर डिस्टेंस पे ही रहेगा, सन छोटा हो जाए सन बड़ा हो जाए कोई लेना देना नहीं। ये भी क्लियर है? हाँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या चीज आ रही है? के कॉन्स्टेंट। अब के कॉन्स्टेंट के बारे में ना आपको पता है ना मेरे को पता है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो कॉन्स्टेंट है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास ऑफ सन पे। क्योंकि ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट नहीं है। एक तो होता है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, किसी भी चीज के लिए कॉन्स्टेंट ही कॉन्स्टेंट नहीं। ये कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे होते हैं जो बॉडीज के ऊपर डिपेंड करते, जैसे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एक कॉन्स्टेंट है, एक सरफेस के लिए कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगर मैं सरफेस चेंज कर दूंगा म्यू की वैल्यू भी, ग्लोबल कॉन्स्टेंट नहीं ना, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। गैस कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल है, दुनिया की कोई गैस ले आओगे गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। ये वो कॉन्स्टेंट नहीं है। तो ये जो कॉन्स्टेंट है, ये जो कॉन्स्टेंट है 4π² / k डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सन, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? कॉन्स्टेंट। और यहाँ पर कॉन्स्टेंट कितना आता है? जी। ये एक्सपेरिमेंटल है, देखो ये हम सिर्फ इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन जिसने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उसको एग्जैक्टली पता है कि ये कैसे। मतलब हम तो एक लेवल पे काम कर रहे हैं ना, प्लस टू, इस बात को समझो। हम उस लेवल पे काम नहीं कर रहे कि जहां पर हम रिसर्च खोल के बैठ जाएं कि देखें जरा ये के कैसे चेंज हो रहे हैं। बस हम लोग जो पढ़ चुके हैं और जो डराइव कर चुके हैं हम उसको सीख रहे हैं कि ऐसा कुछ कहा गया है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टेंट जो है वो जी लगता है, और इसलिए 4π² / k की जगह अगर आप पिछली इक्वेशन में जी पुट कर दोगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पर जी पुट कर दोगे तो जी इंटू सॉरी एम, तो आंसर आ जाएगा फोर्स का gmm/r². तो कहीं ना कहीं न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ प्रूफ हो जाएगा। आइडिया क्लियर है? मतलब कैसे कैपलर लॉ, कैसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स से कैपलर लॉ के अंदर टी स्क्वायर को एलिमिनेट करते हुए सन को बीच में ले आए और ग्रेविटेशनल लॉ प्रूफ हो गया। खत्म हो गया? बस खत्म, चलो यूनिटी खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल से अच्छा चैप्टर था और छोटा चैप्टर था, ज्यादा बड़ा नहीं था, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, और भी है आगे? और भी है कुछ दिखा ना? ओके, ए पार्ट, चैप्टर ए के अंदर एक टॉपिक रह गया है इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। वैसे मैं बता दूं कि काइनेमेटिक्स के अंदर जो हमने लेंथ टाइम मेजरमेंट था ना, ये मैं इसे कॉपी किया हुआ है। इनर्शियल मास क्या मास होता है? कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के ऊपर धक्का मारूं एफ, इट मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए, इसमें इनर्शिया काम आ रहा है, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। तो जो मास यहां से निकल के आएगा वो इनर्शियल मास है। लेकिन अगर मैं एफ m1 m2 / r से मास निकालने की कोशिश करूं तो यहां पर ग्रेविटी मैटर करती है, और अगर ग्रेविटी मैटर करती है इसका मतलब है कि आपका मास कौन सा मास है? ग्रेविटेशनल मास है। ठीक है, यहां तक इसके न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, जुपिटर हैज अ मास ऑफ 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 11.2 टाइम्स द अर्थ रेडियस, एस्टिमेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम जुपिटर्स सरफेस, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज गिवन। जुपिटर का मास अर्थ के मास से 11.2 टाइम्स ज्यादा है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ क्या, 2g मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो एक इक्वेशन बना लो जुपिटर के लिए, 2 टाइम्स जी मास ऑफ जुपिटर अपॉन रेडियस ऑफ जुपिटर, एक बना लो अर्थ के लिए, 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है यहां तक, इन दोनों को डिवाइड कर लो। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी ऑफ जुपिटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ इक्वेटर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ जुपिटर, रेडियस ऑफ जुपिटर, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ठीक है डिवाइड। आपको मास ऑफ जुपिटर गिवन है ना, अर्थ के साथ क्या रिलेशन है, आपको रेडियस का रिलेशन भी मालूम है ना क्या है, पुट कर लोगे, और वेलोसिटी ऑफ एस्केप अर्थ के ऊपर पता है 11.2 गिवन है, अर्थ के ऊपर 11.2 गिवन है, तो यहां से सॉल्व करके वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी एट जुपिटर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, यहां तक क्लियर है, आइडिया सबको क्लियर है ना कि एस्केप वेलोसिटी के रिलेशन को डिवाइड करने सारी वैल्यूज गिवन है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर आ जाएगी। विशाल समझ आ रहा है, डाउट है, ध्यान से देख रहे हो, ठीक है यहां तक, एनी डाउट, ओके। इसको सॉल्व करना, आंसर सॉल्व करने पे आ रहा है कोई, नोट कर लो 59.7 किलोमीटर पर सेकेंड ये आंसर है, और कुछ मत नोट करना, ये तो मैं करके दिखाई चुका हूं कैसे आया, वैल्यूज पुट करनी है आपने, इसकी वैल्यू 11.2 59.7 किलोमीटर पर सेकेंड। नवीन समझ आ रहा है, एनी डाउट, ठीक, ट्राई करो।
बेस है वो बिल्कुल बहुत टारगेट ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं है कि देखो ऐसा होता है, ये हमेशा ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप भी मेरी जगह पढ़ाना शुरू करो या कोई भी काम करो, हर बंदे की स्ट्रेटजी ऐसी ही होती है। अगर मैं मैच भी खेलूँ एक 50 ओवर्स का, मेरे को 12th ओवर में टेंशन नहीं होगी खेलने की, 20th ओवर में भी नहीं होगी, हाँ 40 के बाद टेंशन स्टार्ट हो जाएगी कि स्कोर खड़ा करना है। ऐसे ही है, हम कोई भी टारगेट लेते हैं एक साल का, शुरू शुरू में ठीक ठीक कोई बात नहीं, एक लेक्चर हो जाए प्लस, शुरू शुरू में मैं भी नहीं गिनता कि चलो कोई बात नहीं, एक लेक्चर और सही वेक्टर के ऊपर, एक लेक्चर और सही वर्क के ऊपर, एक लेक्चर और सही रोटेशनल, चलो रोटेशनल की रिवीजन ही कराते चलो, और ना सही तो एक लेक्चर पूरा लगाया था सिर्फ ऐसे ही रिवीजन करने के लिए। अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा कि चलो कोई बात नहीं, तो होगा पता है क्या, दिसंबर के अंदर आधी क्लास फेल होकर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दिसंबर में प्रॉपर्टीज और मैटर आ रहा है ना, आधे क्या ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में आ रहा होगा, और मुझे तो डर है कि थर्मोडायनेमिक्स भी आ रहा होगा। थर्मो तो किसी भी आदमी कंप्लीट नहीं हो सकता, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बहुत बड़ा चैप्टर है, जो स्कूल में देख चुके होंगे वो कोई छोटा चैप्टर नहीं है, 6 चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के, कम से कम 5 या 6 होंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर हर उसमें मैं 2 लेक्चर लगाऊं हर, सिर्फ 2, तो भी 12 लेक्चर चाहिए, 12 लेक्चर एक महीना। आज डेट गिन लो क्या है, 9 दिसंबर से पहले आपका ये चैप्टर यूनिट खत्म नहीं होने वाला, और पेपर 9 दिसंबर से स्टार्ट भी हो जाने वाले हैं मेरे ख्याल से। कब से? 1 8 9th की 1, चलो आफ्टर 10th लगा के चलें। मतलब ये तो मानते हो कि अगर मेरे पास 12 लेक्चर हैं, 12 लेक्चर का काम एकदम टाइटली पैक्ड है, ये तो मानते हो ना? प्लीज साइलेंस। तो अब अगर आपको ये लग रहा है कि इस तरीके से ढीला ढाला काम चलेगा, नहीं चलेगा, मेरे को टारगेट, मुझे रिजल्ट देना है ना। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट वो तो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिन्हें नहीं पढ़ना उनको तो आप कुछ भी कर लो, उन्होंने पढ़ना नहीं। मैं तो जोर लगा लिया पूरा, रिवीजन बैचेस रखे थे ये सोचते हुए कि जो बिल्कुल फेल हो रहे हैं वो आएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, जो तो ठीक चल रहे हैं बच्चे, ठीक ठीक चल रहे हैं वो तो आ रहे हैं, और जो बिल्कुल ही नीचे हैं उनको आने की जरूरत ही नहीं है, वो आते ही नहीं। मतलब आप देखो कि सबको आना चाहिए, जिनको जरूरत है उनको आना चाहिए, बट मैं 1-2 स्टूडेंट्स को नोट कर रहा हूँ वो नहीं आते हैं। तो इसलिए प्लीज बाद में नहीं कहना कि सर एक बार रोटेशन फिर से हो जाए, कहाँ से करवाऊंगा, टाइमिंग हाँ होगा मेरे पास, क्योंकि आपके पास करने के लिए प्रॉपर्टीज भी होगा, थर्मो भी होगा, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है देखने वाला, रोटेशन तक तो आप बिल्कुल भूल ही जाओगे, रोटेशन नाम की कोई चीज भी होती है, ठीक है ना? तो अभी चल रहे आप कर लो, कल सुबह 9 बजे भी क्लास है रिवीजन क्लास, जो दूसरे बैच की थी वो कल, मतलब इंस्टेड ऑफ कल शाम की क्लास हमने सुबह 9 बजे रखी है, तो कोई आना चाहे तो आ सकता है रोटेशन मोशन के लिए। देखो, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, गिवन दैट डायमीटर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज 30 टाइम्स डायमीटर ऑफ द मार्स, तो डायमीटर ऑफ किसका, कैलकुलेट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, डायमीटर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज 30 टाइम्स डायमीटर ऑफ मार्स, अच्छा मार्स के साथ कंपैरिजन है, अराउंड द सन यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ इज 30 टाइम्स रेडियस ऑफ मार्स, क्योंकि रेडियस और डायमीटर तो एक ही बात है, डायमीटर 30 टाइम्स है तो रेडियस भी 30 टाइम्स है। तो टाइम पीरियड निकालना है, बड़ा आसान है, टाइम पीरियड ऑफ इक्वेशन बनाओ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ निकालना है, तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू क्या, रेडियस ऑफ अर्थ टी स्क्वायर आर क्यू, नेक्स्ट इक्वेशन मार्स के लिए टी स्क्वायर आर क्यू बन गई इक्वेशन, इन दोनों को जरा डिवाइड करो, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ टाइम पीरियड ऑफ मार्स स्क्वायर स्क्वायर आर ई क्यू और आर एम क्यू, ठीक है, डिवाइड कर लिया, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट लगा लेना, इक्वल टू डिवाइड कर लेना, कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, आपको ये इनका रिलेशन तो गिवन ही है, ये रहा आर ई की जगह क्या पुट कर देना है 30 टाइम्स आर एम, तो आर एम आर एम तो क्या हो जाएगा कैंसल, मैथ्स है, पुट कर लेना यहाँ पर, और आपको अर्थ का टाइम पीरियड निकालना ही आपको मालूम है, और मार्स का टाइम पीरियड क्या है नहीं गिवन, तो आपको अर्थ का टाइम पीरियड निकालना है इन टर्म्स ऑफ मार्स का टाइम पीरियड, मतलब टीई और टीएम के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, पॉइंट क्लियर है सबको? तो इसमें आपको क्या निकालना है, आप ऐसा कर सकते हो इस केस में कि इन दोनों को डिवाइड करो, तो टी ऑफ ई स्क्वायर टी ऑफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू
आर ई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 30 क्यूब आर एम क्यूब डिवाइडेड बाय आर एम क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया, अंडर रूट ले लेना, 3/2 की फॉर्म में आंसर आए। पर मेथड क्लियर है कि कुछ भी नहीं करना बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ कैपलर्स लॉ। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट है आंसर इसका ना, आंसर मत नोट करो क्योंकि मैंने जो इसमें ये सॉल्यूशन किया हुआ है, मार्स का टाइम पीरियड 1 लिया हुआ है, 1 ईयर, कि मार्स के जो प्लैनेट के लोग हैं ना, मार्स के प्लैनेट के लोग बोलते हैं कि हमारा कुछ दिनों का चक्कर 1 ईयर है, वो कुछ दिन कितने हैं मुझे मालूम नहीं, हो सकता है 200 दिनों का एक चक्कर होता हो सन के आसपास उनका, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, पर वो भी लोग 1 साल बोलते हैं अपने टाइम पीरियड को, एक चक्कर सन के आसपास हो जाए 1 साल, तो अर्थ वाले बोलते हैं कि जो भी उनका 1 साल हो, 1 साल है मेरा टाइम पीरियड, इतने टाइम्स मार्स के टाइम पीरियड के इक्वल है, तो अवॉइड टू कंफ्यूज, मतलब टू क्रिएट अ कंफ्यूजन, आप टीई और टीएम की रिलेशन छोड़ दो ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब आप अननेसेसरी इसमें एज्यूम कर रहे हो कि मार्स का टाइम पीरियड 1 ईयर है पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आप अर्थ का टाइम पीरियड निकाल रहे हो, जरूरत ही नहीं है, आप टीई और टीएम के बीच में आंसर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, तो इसलिए आंसर बता नहीं रहा था मैं इसका। कंजर्वेशन है, वैसे एनर्जी कंजर्वेशन है, ये हो जाएगा आपसे, देखो क्वेश्चन है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है इज हाफ द एस्केप वेलोसिटी, और सैटेलाइट कितनी वेलोसिटी से घूमती है उसे वो क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि मेरे क्वेश्चन में ऑर्बिटल वेलोसिटी इज हाफ द एस्केप वेलोसिटी। ठीक हो गया, सैटेलाइट घूम रही है किसी वेलोसिटी के साथ, क्या निकालना है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, तो मेरे को ये बताओ कि उसकी सैटेलाइट की हाइट क्या होगी सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर। पहला क्वेश्चन क्लियर है, तो सबसे पहले अगर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमने किया था, ये रहा सैटेलाइट की वेलोसिटी हाफ द एस्केप है, हाफ द एस्केप है, 2 अंडर रूट के अंदर जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4, ये आंसर आ गया, मतलब इतनी वेलोसिटी से जो मेरी सैटेलाइट है अर्थ के आसपास घूम रही है। ठीक है ना यहां तक, देखो ओके, एक चीज समझो, वो कह रही है कि ऐसा करो एस्केप वेलोसिटी का ना हम याद कर लेते हैं, एस्केप वेलोसिटी 11 पॉइंट कितनी होती है, 2 होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसका हाफ ले लो। इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप हर क्वेश्चन में 11.2 यूज करो, मान लो मैं अर्थ एक ऐसा प्लैनेट दे रहा हूं जिसका रेडियस 7000 किलोमीटर है, वहां से 11.2 नहीं आएगा, तो आप याद मत करो इस वैल्यू को, आप अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर यूज करो, ऐसा होगा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो आर की वैल्यू डिफरेंट करके, तो इस तरीके से याद करो। ठीक हो गया यहां तक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि सपोज करो
ये हमने किया हुआ है, ये मेरी कौन सी वेलोसिटी आ गई, ऑर्बिटल। लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमने जो फॉर्मूला किया था वो क्या था, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एक्स, वेयर एक्स इज दी हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ये आर है तो ये कितना था, एक्स था। तो ठीक है, अपने फॉर्म में इसको इक्वेट कर लें, एक वेलोसिटी हमें गिवन है, एक वेलोसिटी हमें मालूम है, इक्वेट करो एक्स आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है ना। लगाने की मैं कोशिश कर रहा था, पर प्रॉब्लम है कि एनर्जी कंजर्वेशन तब लगे ना जब सैटेलाइट जमीन से चले और ऊपर जाए, ये तो पहले ही ऊपर घूम रही है, तो मेरे को क्या पता कितनी एनर्जी से उसको नीचे से फेंका था, लगा नहीं पाया मैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फाइंड दी ओके नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में लगेगा, क्योंकि अब सैटेलाइट ऊपर से कहां गिर रही है, नीचे गिर रही है, तो अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो जब वो नीचे गिरेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो घूमना बंद कर देगी, ऐसी ड्रॉप हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो पोटेंशियल तो होगी, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, माइनस जीएमए बाय आर प्लस एक्स, सेंटर से तो उसका डिस्टेंस सैटेलाइट का आर प्लस एक्स होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीएमए बाय आर प्लस एक्स। जब वो ग्राउंड पे गिरी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गिरने से कितनी हो गई, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, एंड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस जीएमए बाय आर, ठीक है ना, सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल माइनस जीएमए बाय आर, और लेट से वो वी डैश वेलोसिटी से जमीन पे गिरी और मुझे वी डैश ही तो निकालना है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर सिर्फ पोटेंशियल, ग्राउंड पे गिरते ही पोटेंशियल एंड काइनेटिक इक्वेट कर लो, वी डैश आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, ए पार्ट में क्या निकली थी, इक्वल टू आर, एक्स की जगह आर पुट कर लेना, ठीक है। यहां तक इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो, ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन को आंसर आएगा, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे, ये मैंने इन दोनों को इक्वेट कर लिया, ये रहा, इक्वेट करके जीएम कॉमन निकल गया, एलसीएम लिया इन दोनों का, ये आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर, सॉल्व करने पे अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर आंसर आ गया, क्या हुआ, ठीक है। यहां तक कितने लोग हैं जिनको कल स्कूल जाना है, बस बाकी छुट्टी में, कल सेकेंड सैटरडे, हाथ खड़ा करना एक मिनट, कितने लोग हैं जिन्होंने जाना है, सेकेंड सैटरडे को भी जाना है, जिन्होंने जनरली जाना है, स्कूल खुला है, एक स्कूल खुला है पर जाना नहीं है, वो नहीं जाना ही जाना है, कितने, एक दो तीन, इधर से चार, चार और छह, और इधर से सात, इधर से पीछे सात, ओके, और कितने लोग हैं जिन्हें, सात लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किया, ये लोग सैटरडे वाले बैच में एक दिन के लिए दूसरे बैच में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन के लिए सिर्फ वन डे, हाथ खड़ा करना जो नहीं आ सकता, जो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कल अगर मैं क्लास रखूँ दिन में, कल भी नहीं आ सकते, और छुट्टी कौन सी छुट्टी है, क्लास रखूंगा ना, कल दिन में भी नहीं आ सकते सुबह, और सुबह मैं टाइम दूंगा अभी, और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि जो मंडे ऑल्टरनेट वाला बैच है, मैं चाहता हूँ कि मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे, वेनसडे को भी मैं चाहता हूँ कि ऑफ रहे, इसलिए नहीं कि, अच्छा कितने लोग हैं जो वेनसडे को आ सकते हैं, हाथ खड़ा करना, जो नहीं आ सकते, सॉरी वेनसडे, ठीक है, अच्छा ओके ओके ओके, बेकार क्वेश्चन, वेस्टेज ऑफ, ओके ओके, बेकार क्वेश्चन पूछा, अच्छा ठीक है, एक्चुअली
میں نہیں چاہتا ہوں کہ بیچ میں, کیونکہ کئی لوگ آؤٹ آف اسٹیشن بھی جاتے ہیں اور بہت ساری پرابلم رہتی ہے, تو وینسڈے کا میں اس لیے آف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اگر میرے لیے تو 20 بچے بھی ایبسینٹ ہو گئے تو میری تو ایک کلاس لگ گئی. بڑی سمپل سی, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن میرے کو دو بار پڑھانا پڑتا ہے. اور میرا ایکسپیرینس ہے کہ دیوالی کے اگلے دن آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں کیوں بہت ہی ڈرائی سا ڈے ہو جاتا ہے اور کوئی آتا نہیں ہے, بہت کم لوگ آتے ہیں. اس کی جگہ اور پرابلم آپ کے بیچ میں اس لیے ہے کہ جو دوسرا بیچ ہے ان کی صرف ایک ہی چھٹی ہے ٹیوزڈے کی, تو ان کو تو کوئی فرق پڑا نہیں, ایک ہی چھٹی ہے, تو میں آپ کو بھی ایک ہی چھٹی دینا چاہتا ہوں. ٹھیک, اس لیے نہیں ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوں, چھٹی لو, منڈے کو مت آؤ, ٹیوزڈے کو مت آؤ, وینسڈے کو بھی مت آؤ, پر سیٹرڈے کو تو آؤ صبح. ٹھیک ہے نا, کم سے کم اپنا ٹارگیٹ تو اچیو کرواؤ. جو میں ہاں سیٹرڈے کو میں کہہ رہا ہوں, آپ اسکول سے کتنے بجے جاتے ہو؟ 12:30. آپ ودان اسکول سے آنے میں کوئی ٹائم نہیں ہے, مطلب اسکول سے چھٹی ہوتی ہے تو بس کہیں بھی نکل جاتے ہیں. پھر تو یار ریچا میم کو باہر کہنا ویدانت کا نام نوٹ کریں گے اور اس کی کاؤنسلنگ ذرا پہلے کریں گے اور اس کا کمنٹ ذرا نوٹ کرنا. اور اب میں بند کرواؤں ویدانت کو ذرا پہلے. ٹھیک, کوئی بات نہیں, اب یہ گھر ٹائم پہ بھی آئے گا اور سب کچھ ہوگا. اوکے, تو ابھی کوئی بات نہیں, اور کوئی ہے, کوئی اور ہے, سب ٹائم پہ آتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اوکے پلیز. میرے پاس سیٹرڈے کا ایسا کرتے ہیں, ہم مارننگ میں رکھ لیتے ہیں 10:00, ہاتھ کھڑا کرنا جس کو پرابلم ہے, 10 to 11:30 پرابلم ہے. اوکے اوکے, ٹیوشن ہے کتنے بجے؟ 10:15, 10:30, 10:30. نہیں اچھا, اوکے 11:00. اوکے 11:00 ہاتھ کھڑا کرنا جس کو 11 بجے, ہاں کل 11 بجے پرابلم ہے, 11 to 12:30 پرابلم ہے. نہیں اسکول آپ کا تو ہو گیا نا ایڈجسٹ, آپ تو اب دوسرے بیچ میں آؤ گے ایک دن, میں بتاتا ہوں کب آؤ گے. ہاں آپ دوسرے بیچ میں آ جانا ایک دن کے لیے, دوسرے بیچ میں اٹینڈ کر لینا 7:30 والے میں, اس میں بھی نہیں آنا. کبھی کبھی تو آتے ہو, اچھا کوئی بات نہیں. 12:00 اسکول ہے آپ کا, ٹیوشن ہے کتنے سے کتنے؟ 12 to 2, 12 to 2. اور ابھی آپ نے کیا ٹائم بولا آپ کی ٹیوشن؟ ادھر گورب آپ کی ٹیوشن کتنے سے کتنے؟ 2:10, 10:30 تک پہنچ نہیں پاؤ گے, یا وہیکل ہے یا بس ہے, تو ایک گھنٹہ کم سے کم چاہیے, 11 بجے تک چاہیے. 11 to 12 اسٹارٹ کتنے بجے ہے؟ 8:30. اوکے, اگر پر صبح بھی آپ کی دقت رہے گی اگر میں مارننگ رکھوں؟ نہیں 5 بجے کوئی نہیں ہے. سنڈے کو پرابلم ہی ہے. سنڈے کو پلیز ٹائم نوٹ کر لیں, 8:45 پہ ایڈوانس کلاس ہے, 8:45 9:15 ایڈوانس کلاس ہے. میں لیٹ رکھنا چاہتا تھا پر کہتے ہیں میتھ سموتھ کا آپ کا کوئی ٹیسٹ ٹوسٹ ہے ادھر, ہاں تو کوئی بات نہیں میں 10:00 تک چھوڑ دوں گا. ٹھیک, 8:45 پہ آنا ہے آپ نے, 8:45 to 10 جب جانا ہوگا آپ چلے جانا, کوئی بات نہیں. ٹھیک, 8:45 میں اسٹارٹ کر دوں گا پورے سنڈے کو. اس لیے سنڈے کو پھر آگے ٹیسٹ کے شیڈیول میں 2:30 بجے تک تو کلاس خالی نہیں ہے. ٹھیک, تو ابھی پھر ایسا کرتے ہیں سیٹرڈے کو ٹائم ایڈجسٹ کرتے ہیں, کوئی ٹھیک ٹھاک ٹائم اگر مل جائے گا 11:00, اور اس کا پھر 12 بجے چھٹی ہے. ایک منٹ میں آپ کا کرتا ہوں, رکو کوئی بات نہیں, یا ایک سیکنڈ پونے 11 رکھ لیں, بٹ 11:15 صبح 7 to 8:30 بھی 8:30 اسٹارٹ ہوگی تو پہنچو گے کیسے؟ وہ یار پھر اچھا ٹھیک ہے, تو میں مارننگ رکھ سکتا ہوں, مطلب ایک ٹائم صبح 7 بجے کا ہو گیا. نہیں یار دیکھو پلیز جینوئن بات کرو, اس طریقے پتہ کیا پرابلم ہے, آپ ہی لوگ ہوں گے اگر آپ کا رزلٹ نہیں آیا اور آپ کا سلیبس کور نہیں ہوا تو آپ لوگ یہ نہیں کہو گے کہ ہم سر کو کہتے تھے کہ چھٹی کر دو. آپ تم کیا کہو گے؟ یار وہ تو اس کی سمجھداری تھی, بچے تو شور مچائیں گے ٹھیک ہے نا, اور بعد میں آپ الگ اس میں جا کے میرے اگینسٹ کھڑے ہو جاؤ گے. میں نہیں چاہتا, میرے کو اپنے طریقے سے کام کرنے دو, میرے کو پتا ہے کہ کتنی بالز ہے کتنے رن مارنے ہیں. ٹھیک, تو ابھی ایک تو ٹائم 7 to 8:30 کا ہو گیا گورب, سیکنڈ ٹائم فرسٹ آپشن لگا رہا ہوں میں. سیکنڈ آپشن ہے ابھی
11 o'clock, 10:45 let's say, 10:45 से स्टार्ट कर लेंगे और जितना भी 12:15 तक जितना भी होगा, आप 15 मिनट का जो आपका मिस होगा आप देख लेना, 15 मिनट आप देख लेना, प्लस माइनस जो होगा मैं करवा दूंगा आगे पीछे, ठीक। एक तो ये ऑप्शन हो गया। इस ऑप्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अमेरिका से ज्यादा बेटर है, सुबह सेकंड वाला ज्यादा सही है, सेकंड वाला ज्यादा सही है। हाँ, जो लोग कल नहीं आ पाएंगे, सुन लो, अब उनका क्या करना है, लेट से जो नहीं आ सकते वो अब कब आएंगे? वो आएंगे थर्सडे को। अगर आपका कोई मिस हो गया, मींस ये वाला कल वाला बैच मिस हो गया, तो इसकी जगह आप कब आओगे? थर्सडे को, क्योंकि जो मैं कल करवाऊंगा वो दूसरे बैच में कब रिपीट होगा? थर्सडे को। बोलो कितने बजे? ये वाला थर्सडे को जाना है और ये टाइम भी सूट नहीं करता, स्कूल है और थर्सडे को नहीं आ सकते, ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गई। फिर अभी तो मैंने पूछा था, तभी तो मैंने सारा वो गेम एकदम प्लान से किया पहला। अभी रुक जाए यार, वो उसने चक्कर डाल लिया इतना बड़ा। ओके यार, प्लीज एक मिनट, प्लीज साइलेंस साइलेंस। सैटरडे को, अच्छा एक सेकेंड, टेन नहीं, मंडे तो बिल्कुल भी नहीं, मंडे को किसका दिल करेगा मुझे बताओ, कोई भी नहीं। या फिर एक काम करते हैं, जो भी काम होगा ना मैं आपको फिर अलग से करवाऊंगा, जैसे भी होगा, लेट्स सी, फिर देखते हैं क्या करना है। अब इसको यही रहने दो, प्लीज नोट करो, कॉपी के एंड में सबने नोट करना है, सबने नोट करना है अपने बुकलेट के पीछे, क्योंकि मुझे मालूम है जब दो से ज्यादा छुट्टियां हो हमें बिल्कुल नहीं याद रहता कि ट्यूशन नाम की कोई चीज है, और टाइम तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता, कोई देखना नहीं चाहता ट्यूशन को कि यहां भी जाना पड़ेगा। हाँ तो सुन लो, कल के टाइम नोट करो, ये क्रॉस है, 10:45 पे स्टार्ट होगा, 10:45 पे स्टार्ट करूंगा मैं कल, ठीक। 10:45 पे सबने पहुंच जाना है, और जो लोग नहीं आ पाएंगे वो भी प्लीज नोट कर लें, थर्सडे को एट 7:30 to 9 PM, ठीक है, नोट कर लिया, सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अर्पित, 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 ठीक है, ध्यान से यार, थोड़ा अटेंटिव, इतनी जोर जोर की मैं चार बार बोल रहा हूं। ओके, क्लियर हो गया सबको? तो कल 10:45 पे एडवांस क्लास का टाइम क्या बोला मैंने, संडे को 8:45, संडे के टेस्ट के टाइमिंग सबको पता है, जैसे आते हैं वैसे ही देने हैं, सबने टेस्ट देने हैं, और उसके बाद जितना मर्जी एंजॉय करो टेस्ट देने के बाद। और मैं बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स से बात चल रही है, कई कितने घर, कितने लोगों के घर फोन आ चुके हैं, हाथ खड़ा करें, पीछे देख लो, लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं ना, ठीक है, बाकी घर भी आते रहेंगे, डोंट वरी। इसलिए जो अभी भी नहीं सुधरेगा मैं उसके पेरेंट्स को यहाँ बुलाना शुरू करूंगा। अभी भी कह रहा हूँ अपने टेस्ट के ग्रेड सही करो, और मैं आपको पूरा पूरा हेल्प कर रहा हूँ ये बता के कि क्या करके आना है एग्जैक्टली आपको संडे की तैयारी के लिए। अगर अब भी नहीं होगा फिर मुझे पता नहीं कब होगा, अब तो बता ही रहा हूं कि क्या देना है मुझे, ठीक है ना। चलो, नहीं रोटेशनल की होगी, एडवांस क्लास साइलेंस प्लीज, आगे देखो, एडवांस क्लास रोटेशनल की होगी और कई दिन तक रोटेशनल ही चलती रहेगी, रोटेशनल बहुत बड़ा है यार, खत्म नहीं हुआ। 10 बजे कैसे करूं, टेस्ट क्या तो रहे टेस्ट टाइम का, ये इन दूसरा बैच तो चेंज करवा के गया मुझसे, मैं तो 10 बजे रख रहा था, मैथ में उसका टेस्ट टाइम था बहुत सारे बच्चों को, जबरदस्त है ना, वो तो बहुत सारे बच्चे हैं। आपके कहाँ हैं? आपका 11 बजे, क्या दिक्कत है? सुबह कितने बजे से टेस्ट है? 8 से 11, अच्छा टाइम बीच में फंस गया, पौने 8 से 9 चलेगा, 8:15, 9:15 की जगह 8:15, क्लास नहीं है टेस्ट है, टेस्ट है यार। ओके एक सेकेंड, एडवांस क्लास का टाइम, एक सेकेंड प्लीज साइलेंस, 2 मिनट मुझे, 2 मिनट और लगेंगे, प्लीज साइलेंस यार, प्लीज साइलेंस, बात करना बंद करो प्लीज। एडवांस क्लास का टाइम जो मैंने अभी दिया था वो कितने है? 9:45 दिया था, ठीक है,
8:45 टू लेट से मैंने कहा था 10 बजे में फ्री कर दूंगा, कोई बात नहीं, आप का बीच में टेस्ट फर्स्ट रहे, ओके अगर मैं 7:30 कर दूं सुबह, 7:30 टू लेट से 8:30 चले जाना, कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट कर दूंगा साढ़े एक घंटे की क्लास 7:30 से लेके लेट से साढ़े, पर इसमें प्रॉब्लम है यार, वो या जिनका मैथ का टेस्ट है वो रहेंगे कहाँ 2 घंटे बीच में, घर कहाँ जाएंगे तो दूर से आके यार, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो इस स्लॉट में आ नहीं सकते, पहले ये बताओ, 1 2 3 1 2 3 4 5 नहीं नहीं अपने आप सोचेगा वो, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने लोग हैं, अपने वही हाथ खड़ा करें जो आना चाहते हैं, अननेसेसरी वोटिंग मत करें, नहीं नहीं जो आना चाहते हैं और इस स्लॉट में आ नहीं सकते, ओके चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसा करते हैं फिर टाइम को शिफ्ट, आपको 8 और 10 11 के बीच में कभी भी पहुंचना है, 1.5 घंटा 8 और 11 अगर आप 9 बजे भी चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक है ना, रादर अगर आप 9:25 पे भी चले जाओ या 9:20 पे भी चले जाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, क्योंकि 10 मिनट में पहुंच जाओगे और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके फिर ऐसा कर लेते हैं 8:15 रख लेते हैं, अब ना उनको प्रॉब्लम होगी ना आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो ठीक है एडवांस क्लास का जो टाइम है वो प्लीज नोट कर लो 8:15 का सुबह, डन 8:15 का सुबह होगा, अब क्या हो गया, किसका क्लैश है, अब पेन ड्राइव ले आना बस, आप यार एक स्टूडेंट का मुझे पता नहीं पर 10-10 का क्लैश होगा तो मैं चेंज करूंगा, अब अगर एक एक का देखूंगा फिर तो कभी सेट ही नहीं बैठ पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल से दिस इज बेस्ट 8:15 टू जब जाना होगा चले जाना, आपको प्रॉब्लम है ना आगे टेस्ट शुरू है तो 8:30 टू 9:30 आप उससे पहले ट्यूशन पढ़ के आ रहे हो तो आप 15 मिनट लेट आ जाना, कोई बात नहीं 10 मिनट में तो 5-7 मिनट में तो हमारा भी दुकान खोलने में लग जाते हैं हमें भी, ठीक है ना, 5-7 मिनट तो हमारा यही ले लेता है स्टार्ट होने में, तो उतने टेंशन ना लो, ओके प्लीज साइलेंस, हो गया डिसाइड, 8:15 का डन हो गया, अब जिसको आने आ जाएगा, जिसको नहीं आना कोई बात नहीं अपने पेन ड्राइव साथ ले आएगा, ठीक है एडवांस बैच में पेन ड्राइव में दे दूंगा, आप आराम से बैठ के सुनना, ओके अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करो, प्लीज साइलेंस, ये लो क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करो, और कल का लेक्चर भी जो होगा वो ग्रेविटेशन पे ही होगा, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर अच्छे से, ठीक आप प्रॉपर्टीज का करेंगे स्टार्ट, ठीक हाँ सर, कब 5 चैप्टर है प्रॉपर्टीज में, ओके प्लीज साइलेंस, देखो बात मत करो आगे देखो आगे आगे आगे, द मेन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज गिवन, देखो इधर अर्थ और सन का डिस्टेंस गिवन है एंड टाइम पीरियड भी गिवन है, तो दोनों डेटा गिवन है लेकिन किसके लिए गिवन है, अर्थ के लिए गिवन है, रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ टू नेबरिंग प्लैनेट्स वीनस एंड मार्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन, तो वीनस और मार्स का डेटा भी गिवन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ दीज प्लैनेट्स फ्रॉम सन एंड जो निगलेक्ट करना है वो निगलेक्ट करो डिस्टेंसेस, तो गिवन क्या है इधर देखना, अर्थ के लिए टाइम पीरियड गिवन है, रेडियस डिस्टेंस भी गिवन है सन एंड अर्थ का, वीनस का टाइम पीरियड नहीं मालूम, रादर टाइम पीरियड सॉरी मालूम है और आर की वैल्यू नहीं मालूम, मार्स के लिए भी टाइम पीरियड की वैल्यू मालूम है लेकिन आर की वैल्यू नहीं मालूम, तो इट मींस अर्थ वीनस और मार्स, कैपलर्स लॉ अगर हम बात करें तो टी और आर का प्रोपोर्शन है, तो आपको अर्थ का पूरा डेटा गिवन है, कैपलर्स लॉ के अकॉर्डिंगली टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, तो कैपलर्स लॉ के अकॉर्डिंगली टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, या फिर टी स्क्वायर इज सम कांस्टेंट आर क्यू, या टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज अ कांस्टेंट, तो किसी भी प्लैनेट के लिए टी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो आर क्यूब तो कांस्टेंट ही होगा, तो ये आपने किसके लिए लगा दिया, अर्थ के लिए, ये डेटा किसके लिए इक्वल होगा, वीनस के लिए, और ये डेटा मार्स के लिए, इक्वेट कर दिया,
ठीक बोल रहा हूँ ना, यहाँ तक कैपलर्स लॉ को इक्वेट कर दिया और इनको इक्वेट करके आपने क्या किया, टाइम पीरियड सबका गिवन था, पुट कर दिया, आर की वैल्यू अर्थ की गिवन थी, बाकी निकालनी है, इन दोनों को इक्वेट कर लो आर टू आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को इसको और इसको इक्वेट कर लूंगा तो आर थ्री आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, मतलब ये इक्वेशन बना लो पूरी टाइम पीरियड्स के साथ और आर के साथ, इन इक्वेशन में कैपलर्स लॉ टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज अ कांस्टेंट तीनों प्लैनेट्स के लिए, T1, T2, T3 गिवन, R1 गिवन, R2, R3 निकालना है। आंसर बहुत कॉम्प्लेक्स है, आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो ना एक सिंपल कैलकुलेशन के साथ आएगा जिसमें आप क्यूब रूट भी ले सकोगे, जैसे 27 आ गया आपके पास, टी क्यूब इज 27, तो आपको पता है टी की वैल्यू 3 आएगी, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं आएंगी, बट आइडिया क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चीज सबको समझ आ रही है कि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें क्या लगाना है, तो ये लगाना आपके पास आंसर आएगा। एनी डाउट? संचय समझ आ रहा है? प्रोनित, विपुल, विपुल ठीक ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, हो सकता है मैं ग्रेविटेशन की भी असाइनमेंट ले आऊं, बट नहीं, रोटेशन खत्म ही नहीं होगा मुझे मालूम है ना। और प्लीज वो असाइनमेंट लेके आना अपनी, जो हमने जो मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 1 और 2 विद सॉल्यूशन दी थी ना, वो लेके आना, उसमें 8-10 क्वेश्चन पड़े हैं जो टिपिकल है और बड़े पेंडिंग है, एक लेटर के ऊपर सेंटर ऑफ मास वाली, हाँ दो असाइनमेंट दी थी ना वो स्पेशल, वो लेके आनी है आपने। ओके, आंसर नहीं नोट करेंगे इसका क्योंकि आंसर किसी का निकलेगा नहीं इसमें से। नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन करने हैं, 29 देखो, 29 क्वेश्चन, वैसे भी बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटा नहीं पढ़ते हो आप फिजिक्स, घर जाके तो पढ़ते नहीं हो, कितने लोग घर जाके पढ़ते हैं, हाथ खड़ा करना, फिजिक्स बस बाकी पढ़ते नहीं है, घर जाके फिजिक्स पढ़ते हो, हाथ खड़ा करना। अच्छा, अगर इतना ही पढ़ते हो तो एक काम करो, संडे को टेस्ट तो देना ही देना है, तो जब आपकी क्लास अब कब होगी, दिवाली के बाद, फ्राइडे को खाली हाथ मत आना, पूरे ग्रेविटेशन की तैयारी करके आना, एबीसी चैप्टर थ्योरी सारी और न्यूमेरिकल भी सारे, 20 मिनट्स का टेस्ट होगा, 2 थ्योरी के क्वेश्चन और 2 न्यूमेरिकल के। हाँ, 10 तो आ ही जाएंगे, क्या हो गया? हाँ जी, और क्या, और क्या स्पेशल बच्चों का होगा, सभी का होगा, कोई बात नहीं। ओके, प्लीज साइलेंस, सुन लो मेरी बात, रोटेशनल मोशन संडे एंड ग्रेविटेशनल मोशन, पूरा ग्रेविटेशनल मोशन का पहले छोटा टेस्ट होगा फिर बड़ा होगा, तो फ्राइडे को तैयारी के साथ आना, ठीक है? दिवाली आराम से मनाओ, कोई बात नहीं, उसके बाद 2-3 दिन तो है ना, आराम से पढ़ के आना। गौरव आगे देखो प्लीज, आंसर बताओ क्या है इसका, आंसर 96/100 का स्क्वायर, परसेंटेज में बताओ कितना होगा, जी का कितना परसेंट चेंज हुआ, इसको भेज दे, सृष्टि सृष्टि और अच्छा ओके आगे देखो, इफ द अर्थ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 4%, प्लीज आगे देखो, 4% मास रिमेनिंग द सेम, देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ जी चेंज, जो जी है, जी का फॉर्मूला बोलो क्या है, जी बड़ा एम बाय आर स्क्वायर, जब परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस हैं, इसमें जी का चेंज किसके साथ बताना है, आर के साथ, जी और एम तो चेंज नहीं हो रहा, परसेंटेज चेंज इन जी बताना है ना, परसेंटेज चेंज इन जी का मतलब क्या है, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ जी इन 200, ये मुझे निकालना है। अश्मिता है, अश्मिता क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 4%, मतलब पहले रेडियस कितना था, R1 था, अब रेडियस कितना है, R2 है, पहले कितना था, R1 है, इन 200, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 4%।
और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा आर, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 4%, ठीक। और मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, क्या निकालना है और क्या गिवन दिया है। तो एक तो तरीका है मैथ्स लगाना, मैथ में हम क्या करते हैं कि एक चीज का परसेंटेज गिवन हो दूसरे का हम निकाल लेते हैं। दूसरा शॉर्टकट मैंने बताया हुआ लॉग वाला मेथड, याद है, जब परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन हो तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग ऑफ जी, लॉग ऑफ जी, लॉग ऑफ बड़ा जी, लॉग ऑफ कैपिटल एम माइनस टू लॉग ऑफ आर। एनी डाउट, लॉग ऑफ बोथ साइड्स लेके ये आंसर आएगा। अब एक काम करो, दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाय जी इंटू डी जी, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज जीरो, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज जीरो, मास भी कॉन्स्टेंट, बड़ा जी भी कॉन्स्टेंट, क्या बचा माइनस टू 1 बाय आर, लॉग आर की डिफ्रेंसिएशन 1 बाय आर इंटू डी आर। सही है ना, यहां तक पॉइंट सबको क्लियर है, 1 बाय आर इंटू डी आर और डी आर अपॉन आर, ठीक। 100 से दोनों साइड्स को क्या कर दें, मल्टीप्लाई। मेरे को एक चीज पता है, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, ध्यान से, ये क्या बोला था इसने, श्रिंक का मतलब माइनस फोर, श्रिंक का मतलब कम हो रही है, और अगर आर की वैल्यू कम हो रही है तो जी की वैल्यू क्या हो रही है 8% बढ़ेगी ना, और वैसे भी मैथ्स है ना, अगर आर कम हो रहा है तो जी की वैल्यू शुड इंक्रीज, तो ठीक है ना, प्लस 8% आ गया, तो आंसर आ गया 8% जी की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज। मेथड क्लियर है, ये मेथड हमने 4-5 बार पहले भी यूज किया हुआ है, आपने शायद फर्स्ट टाइम देखा होगा ऐसा मेथड। तो ये एक तरीका है जिसमें दो वेरिएशंस हो, एक चीज चेंज हो रही है, दूसरे की परसेंटेज चेंज निकालनी है, तो अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में किया था ऐसा लॉग वाला मेथड हमने, समझ आ रहा है, एनी डाउट, सबको क्लियर है, लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग ऑफ इसकी यहां लॉग, इसका लॉग, लॉग ऑफ जी, लॉग ऑफ जी, लॉग ऑफ एम माइनस टू लॉग आर। मैथ्स में इक्वेशन का लॉग ले सकते हैं ना, लेफ्ट और राइट का, तो वो लिया हुआ है। अच्छा लॉग कराया नहीं, लॉग कराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैंने जब शुरू में, आप आए नहीं थे उस टाइम, मैंने इंटीग्रेशन में लॉग के रूल बताए थे यार उस टाइम, सीख जाना उससे, कोई बात नहीं, इसके बाद इसको नहीं आते कोई बात नहीं, सीख जाना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, हाँ, 31st क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है बुक्स में, कर लो एक बार 31st क्वेश्चन करो ट्राई, और मुझे सिर्फ ये बताओ इसमें क्या लगाएंगे, शुरू कहां से करें। क्वेश्चन क्या है, अर्थ घूम रही थी, घूमती घूमती छोटी हो गई, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कितने लोग बोलते हैं यस, याद आ रहा है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाथ खड़ा करना जिसको याद आ गया, हाथ ही खड़ा करना है बस, किसको फॉर्मूला याद आ गया कि एंगुलर मोमेंटम लग गया और उसमें ये लगेगा, ठीक है, मतलब जो मैंने रिविजन करवाई थी ना रोटेशनल मोशन के बाद, वो सब मिट्टी में मिल गई, मैंने करवाया था। अगर अर्थ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, यार तीन तो क्वेश्चन अर्थ के ऊपर आते हैं गिन के, और तीनों नहीं याद होंगे तो फायदा क्या होगा, I1 ओमेगा बने I2, ठीक है, याद आ रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन रोटेशन में चेक करके आना, संडे को ऐसे मत आ जाना, और मोमेंट और इनर्शिया तो पक्का याद करके आ जाना, ठीक है ना। तो 31st क्वेश्चन, इफ अर्थ घूमती घूमती श्रिंक हो गई, तो याद है कि हमने एक्सटर्नल टॉप नहीं लगाया, तो जितना उसका I1 ओमेगा 1 था, बाद में भी I2 ओमेगा 2 की वैल्यू सेम है, जमीन समझ आ रहा है। तो अब रेडियस कितना हो गया, लेस बाय आर 1 बाय एन, लेस हो गया, शो दैट लेंथ ऑफ द डे शॉर्टन बाय 48 बाय एन आवर्स, तो ठीक है, इसमें ऐसा करते हैं, जो शुरू में
टाइम पीरियड था अर्थ का कितना था 24 आवर्स, ओमेगा की वैल्यू 2π/T, नियर रेडियस आर डैश, नियर रेडियस कम हो गया बाय 1/N times r, ये नियर रेडियस आ गया, ठीक है ना। और मैं रेडियस क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि 2π/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2π/5 mr², सब जी समझ आ रहा है, ठीक है ना। ये समझ आ रहा है कि रेडियस कम हो गया, रेडियस कम हो गया तो r डैश इज r माइनस r बाय n, क्लियर है, 1/N अमाउंट से कम हो गया तो मेरे पास वैल्यू आ गई r इंटू 1 माइनस 1/N, ये किस क्लियर है, पर नया रेडियस आ गया, टाइम पीरियड पता है, नया रेडियस आ गया और कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया मैंने, I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2, ठीक। तो इसके अंदर क्या लगाएंगे, जितना पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बोलो कितना था, 2π/5 mr² और अर्थ घूम रही थी बाय ओमेगा। अब अर्थ का नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2π/5 mr² और एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा डैश, ठीक। लेकिन क्वेश्चन तो टाइम पीरियड पे है, कोई बात नहीं, ओमेगा क्या होता है 2π/T, तो आ गया ना टाइम पीरियड, ठीक। अगर अर्थ प्लैनेट सन के आसपास घूमती है तो कैपिटल लॉ लग सकता है, लेकिन अगर खड़ी खड़ी अर्थ छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है तो I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2, तो नहीं लगाना कैपिटल लॉ। कैपिटल लॉ तब लगता है जब एक चीज के आसपास दूसरी चीज घूमती है, एक्सिस पे कोई चीज घूमती है, कैपिटल लॉ नहीं लगता उसमें, ठीक है ना। यहां तक तो इसमें ये स्टेप क्लियर है जो मैंने किया, इसमें आर डैश की वैल्यू उठा के पुट कर दे यहाँ पे, तो देखो इसमें हमने क्या किया, पहले तो ओमेगा डैश निकाल लिया, इट्स ओके, आर डैश की वैल्यू हमने पुट कर ली आर इंटू 1 माइनस 1/N, ये रहा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले ओमेगा डैश निकाल लिया ना, ओमेगा डैश आ गया, आर डैश की वैल्यू पुट कर ली। अब क्योंकि देखो वैसे तो मेरा आंसर आ गया, मेरे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ गया, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को उसी फॉर्म में आंसर निकालना है जिस फॉर्म में मेरे को कहा गया है 48/N, वहां तक तो करना ही पड़ेगा सिंप्लीफाई, तो कुछ नहीं है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये स्टेप समझ आया, नहीं पीछे आ जाओ, ये स्टेप क्लियर है, तो आपने रोटेशन लिख किया हुआ आपने, ओके बाकी वो क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो यहां से 2/5 m 2/5 m कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, r डैश की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, r² से r² कैंसिल हो गया, ये वाली चीज जब ऊपर गई, ये जो जिसकी पावर 2 है, अगर ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो रेज टू पावर क्या जाएगा -2, याद है, क्लियर है। तो अगर ये वाली टर्म ऊपर गई रेज टू पावर -2, और ऐसी चीजों का इलाज रहो एक ही चीज के पास है, अब तो आपको समझ आ गया बायनोमियल कब लगती है, ठीक है ना। 5 साल बार लगाओगे तो अपने आप दिखना शुरू हो जाता है, अभी बायनोमियल का केस आ गया, तो जब अजीब अजीब सी पावर शुरू हो जाती है -1 -2 -200, समझो बायनोमियल आ गई, तो बायनोमियल में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, -2 × -, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ गया ओमेगा इंटू 1 + 2/N, यहां तक स्टेप क्लियर है कि किसकी वैल्यू आ गई ओमेगा डैश की, पर मेरे को तो टाइम पीरियड निकालना है, और अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना है तो टी डैश इज 2π/ω-, तो ओमेगा डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये लो ओमेगा डैश की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास टी डैश, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है सबको। तो यहां से टी डैश आ गया, नया टाइम पीरियड आ गया, ठीक। तो अगर नया टाइम पीरियड आ गया तो एक काम करते हैं, इस टर्म को ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या आ गया रेज टू पावर -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टर्म आ गई, बाइनोमियल लगा दिया फिर से एक बार, दो बार बाइनोमियल लग गई इसमें, दूसरी बार बाइनोमियल जो लगी उसमें डिनोमिनेटर फिर से ऊपर चला गया रेज टू पावर -1, फिर एक बार बाइनोमियल लगी, ओपन किया कि टी डैश आ गया इन टर्म्स ऑफ टी, तो टी को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, टी को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यहां तक सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, मेरे को निकालना पता है क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड, पहले टाइम पीरियड कितना था टी, अब कितना है टी डैश, आई हैव टू फाइंड चेंज, चेंज का मतलब टी डैश माइनस टी, चेंज का मतलब यही होता है कि पहले टाइम पीरियड टी था, नया टाइम पीरियड टी डैश है, तो चेंज इन टाइम पीरियड इज टी डैश माइनस टी, तो यहां पर क्योंकि मैं यहां तक तो पहुंच ही चुका हूं टी डैश और टी में, मैंने मल्टीप्लाई किया इसे ये इक्वेशन आ गई, t
टी डैश माइनस टी निकाला, ये क्वेश्चन आ गई। अर्थ का पहले टाइम पीरियड कितना था 24 आवर्स, आंसर आ गया डिक्रीज इन टाइम पीरियड विल बिकम -48/N। और ये सब कुछ मुझे सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में प्रूव करना था 48/N, नहीं तो मैं कभी भी दो बार बाइनोमियल ना लगाता, मेरा आंसर वैसे ही आ गया था टी डैश का। बात समझ में आ रही है? तो एक बार देखो, कोई बात नहीं, जाते हुए देखना ना। तो इसमें क्या है कि अगर अर्थ अगर श्रिंक हो जाए घूमती घूमती और जो उसका रेडियस है वो आर बाई एन से डिक्रीज हो जाए तो नया रेडियस आ गया। पहले टाइम पीरियड इतने, टाइम पीरियड 24 आवर्स है, तो आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू, हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई की जगह ये वैल्यू ओमेगा, आई डैश की जगह नया रेडियस ओमेगा डैश, 2/5 m कैंसिल हो गया, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई ओमेगा डैश की, यहां से ओमेगा डैश आ गया ये रहा, तो ये ओमेगा डैश आ गया, आर डैश की वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये टर्म ऊपर चली गई रेज़ टू पावर -2, बाइनोमियल लगा दी ये वैल्यू आ गई, तो ये क्या आ गया ओमेगा डैश। टी डैश क्या होता है 2π/ω, ये टी डैश आ गया। मुझे पता है क्या निकालना है, चेंज इन टाइम पीरियड कितने है। ठीक, तो यहां से मेरे पास अभी तक किसकी वैल्यू आई है टी डैश की, इसको ऊपर ले जाए, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे रेज़ टू पावर -1 -1 इसे कैंसिल, तो क्या आ गया इतना आ गया, इसको ओपन किया टी डैश माइनस टी ये आ गया, टी की जगह 24 आवर्स आंसर आ गया, ऐसा कुछ किया। तो डिक्रीज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू -48/N। एनी डाउट? ठीक है, ये इसलिए कर लो, इसके यूनिट्स कन्वर्जन में प्रॉब्लम है। 36 क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑब्जेक्टिव्स ही करूंगा डिस्कस, ऑब्जेक्टिव्स एंड बचे हुए क्वेश्चंस वही डिस्कस होंगे, मतलब एक लेक्चर हम पूरा ऑब्जेक्टिव्स पे लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करेंगे। आज होमवर्क भी दूंगा, कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखना है ग्रेविटेशन में, 100 and 100 बस। चलो, तो रात क्लास में घंटे कितने पता है, अभी 9 बजे से भी रात को 10 बजे भी बैठ जाओगे ना, तो कब है क्लास हमारी कल 10:45, बहुत घंटे हैं, 100 मिनट से ज्यादा टाइम है, 100 मिनट 200 मिनट लगा लो, 300 मिनट लगा लो तो भी निकल आएगा। ठीक है, फिर ऐसा करना 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो गिवन है आपकी बुकलेट में वो सारे ट्राई करके लाना और देखते हैं किसमें कितना दम है। थर्सडे जो थर्सडे को आएगा वो थर्सडे को करके आएगा। हाँ, ग्रेविटेशन के, ठीक है, कितने लोग ट्राई करके आएंगे हाथ खड़ा करना, देखें जरा कितने लोग 100 क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे, देखें जरा हाथ, शक्लें भी देखें, जिसने 100 क्वेश्चन ट्राई करके आओगे निकल क्या होगे, टाइम लगा तो 50 भी नहीं, हाथ खड़ा कर दोगे दिल मेरा खुश हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, थर्सडे को आओगे, अच्छा करके आओगे, कराओगे, अच्छा ठीक है। हाँ, मूड नहीं है, संडे को, मैं कल की बात कर रहा हूं, नहीं होगा क्यों, 20-25 भी नहीं होंगे, हो जाएंगे, अच्छा ठीक है 50 कर दूं, 50 कर लाओ, ठीक है, अब तो हर कोई कर लाएगा। ठीक है, एक काम करेंगे, चेक करेंगे अगर क्लास में स्टार्ट करने से पहले कि कौन कितने क्वेश्चंस ट्राई करके आया है, ट्राई करने को कह रहा हूं, सॉल्व मेरे को अपने सॉल्यूशंस की किताब नहीं लिखनी, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप ट्राई करके आओ और पूरा अच्छे से ट्राई करके आओ, तो कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी हैं, तो देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर कितना टच होता है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन है, वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ इज 80 kg वेट, प्लीज साइलेंस, आगे देखो, आगे देखो गौरव, 80 kg वेट, ये क्या है, मास की वेट, वेट है, और केजी वेट का मैं बताता हूं क्या मतलब है। What will be his weight on moon? Moon के ऊपर weight क्या होगा? ये मुझे बताओ। Mass of moon पता है, radius पता है। What will be the mass of person on the moon? And acceleration due to gravity there? Mass तो कभी change नहीं होता। जो person का mass earth पे होगा या जहां weight change होगा, mass change नहीं होगा। तो if a person can jump 2 meters high on the earth, how much high can he jump on the moon? तो पहले इसको समझते हैं,
कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी चेंज होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी। अब अगर केजी वेट की फॉर्म में आपको कुछ गिवन हो तो प्लीज इसे नोट करना, क्या कि अगर आपको मास मान लो कोई भी 97 केजी गिवन है, कुछ भी ले लो 97 केजी, तो उसका वेट कितना होता है 97 × 9.8 न्यूटन एमजी। फिजिक्स में एक तरीका है, या तो वेट को न्यूटन में लिखो या फिर सीधा लिख दो 97 केजीएफ, केजी फोर्स या 97 केजी वेट एक ही बात है, केजी फोर्स और केजी वेट एक ही बात है, फोर्स और वेट एक ही बात होती है, यहां तक क्लियर है। तो इट मींस इसको ऐसे लिखना या ऐसे लिखना वन एंड दी सेम थिंग। इसका एक फायदा है, फायदा ये है कि अगर 97 केजी फोर्स गिवन है ना, तो उस केस में 97 का मतलब होता है मास ऑफ दी बॉडी। केजी वेट या केजी फोर्स तो बस वेट ऐड कर रही है, अदरवाइज जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 97 का मतलब मास ऑफ बॉडी। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक, आगे अगर मास 97 ग्राम है, आप इसको 980 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 9 में आएगा, ठीक है ना, आंसर 9 में आ गया। अब आप अगर इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा लिख दो 97 ग्राम फोर्स, केजी की जगह क्या टर्म आ जाती है ग्राम फोर्स, एक ही बात है। अब कई न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसे गिवन होगा कि 97 केजी फोर्स या केजी वेट, लेकिन हमें आदत है न्यूटन में काम करने की, तो आप इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेना, किस में आ जाएगा वेट न्यूटन में। और ऐसे अगर 97 केजी फोर्स है, 980 से मल्टीप्लाई करना, आंसर किस में आ जाएगा टाइम्स में, याद रहेगा यहां तक। तो ऐसे ही कुछ मेरे क्वेश्चन में गिवन है, आपको केजी वेट में गिवन है, कितना केजी वेट गिवन है 80 केजी वेट गिवन है। अगर 80 केजी वेट गिवन है, इसका मतलब मास कितने 80 केजी, इसका मतलब मास 80 केजी लेना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर है यहां तक? ठीक, करें क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मास वेट 80 केजी वेट है, तो सीधा लिखो मास की वैल्यू कितनी है 80 केजी है। मून के ऊपर मास तो चेंज होता नहीं, क्या चीज चेंज हो गई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? जीएम बाय आर स्क्वायर। आपको जी पता है, आपको एम पता है, किसका? मून का। क्वेश्चन में गिवन है ये, आपको मास ऑफ मून पता है, रेडियस ऑफ मून पता है, यहां से आंसर आ जाएगा, दिस इज वेट ऑन मून, मून के ऊपर वेट आ गया। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, वेट आ गया मून के ऊपर m इंटू जी, लेकिन जी किसकी? मून की। ठीक, कोई डाउट किसी को इसमें? समझ आ रहा है ना यहां तक? आगे अब इसमें वेट आ गया, एक चीज मुझे बताओ कि मून के ऊपर वेट कितना आ गया 240 न्यूटन, अर्थ के ऊपर वेट कितना था 80 इंटू जी, जी की जगह 10 ले लेते हैं एक मिनट के लिए, न्यूटन, मास 80 केजी है तो 80 इंटू जी, तो ये वेट आ गया। तो वेट मून के ऊपर और अर्थ के ऊपर डिवाइड कर लें, 240 डिवाइडेड बाय 800 कैंसल, तो यहां से क्या आ गया 3/10 3/10, ठीक है ना, 3/10 का मतलब समझते हो कि वेट की रेशियो तो ठीक है, पर वेट किसके इक्वल होता है? ऐसे करें m इंटू जी डैश m इंटू जी, ये सही है ना, m इंटू जी डैश m इंटू जी, m से m कैंसल, g की वैल्यू अगर 10 है, g की वैल्यू अगर 10 है तो g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में 3, ठीक है ना, कोई डाउट किसी को इसमें? या फिर मैं ऐसे कर लूं, g डैश इज 3/10 टाइम्स g, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के ऊपर
थ्री बाय टेन टाइम्स आ जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के ऊपर है। यहां तक क्लियर है? और अर्थ के ऊपर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 10, 10 से 10 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 3, अप्रोक्सीमेटली 3 वैल्यू आ गई। समझ आ रहा है सबको यहां तक? मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3 आ गई, अर्थ के ऊपर कितनी है 10 है, 10 है, अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स आ गई, या मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की एक्सेलरेशन ग्रेविटी से 1/3 बोल सकता हूं अप्रोक्सीमेटली। 10 को 3 से डिवाइड करोगे 1/3 के करीब आंसर आएगा, या 3 को 10 से 3/10 आ गया, 3/10 का मतलब ये है कि तीसरा हिस्सा 1/3 में आ गया। तो अगर कोई बॉल, या अगर मैं ऐसे बोलूं कि मून हमें कम फोर्स से खींचेगा, कम ग्रेविटी से खींचेगा जितना अर्थ खींचते हैं, और कितना कम, 1/3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/3 का होने का मतलब क्या है, ये फोर्स भी 1/3 हो गई। तो अगर कोई बॉल 2 मीटर जंप करती है मून के ऊपर लेट से, तो अर्थ के ऊपर तो वो और भी कम जंप करेगी, उल्टा बोलो अगर कोई बॉल अर्थ के ऊपर 2 मीटर जंप करती है तो मून के ऊपर 2×3 टाइम्स ज्यादा जंप करेगी। क्यों? क्योंकि मून फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगा रहा है बॉल के ऊपर, तो बॉल अर्थ से तो ऊपर ही जाएगी ना, अगर अर्थ के ऊपर तो मून के ऊपर तो ग्रेविटी जो है वो 1/3 है, यानी कि 3 times ज्यादा जंप करेगी, कितने मीटर जंप करेगी, 6 मीटर जंप करेगी। कोई डाउट इसमें? ऐसे आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? समझ आ रहा है? आसान चैप्टर है मेरे ख्याल से, इतना मुश्किल है क्या उसमें? कुछ भी तो नहीं है, या तो एनर्जी कंजर्वेशन है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कंपैरेटिवली वेरी वेरी इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू बाकी रोटेशन। रोटेशन तो खैर वास्ट ही बहुत है। यहां तक क्लियर है? तो इसको कंटिन्यू करेंगे, और मेरे को हर स्टूडेंट क्लास में चाहिए जो आ सकता है, जो नहीं आ सकता वो थर्सडे को अपनी क्लास लगाएगा 7:30, जो कल सुबह नहीं आएगा वो 7:30 पे आएगा, ठीक है।